हाँ जी, वेलकम टू बदनाम रसोई जी आयन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा कद्दू। कद्दू को हम सीताफल भी बोलते हैं। आइए देखते हैं ये बढ़िया सी रेसिपी बनाने के लिए हम क्या इन्ग्रीडियंट्स लेंगे। हमें चाहिए है आधा छोटा चम्मच मेथी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आमचूर पाउडर डेढ़ बड़ा चम्मच, हींग पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, गुड़ लेंगे 150 ग्राम, हरी मिर्चें लेंगे 4, जिंजर हमने देख लीजिए 2 से 3 हमने ले ली हैं छोटे छोटे टुकड़े, साथ ही साथ में कद्दू यानी सीताफल लेंगे 1 किलो। आप चाहें तो कद्दू को छील भी सकते हैं, ना चाहें तो आप छिलके के साथ भी बना लीजिए, बट कद्दू पिसा हुआ छिला हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप एक कढ़ाई लेके उसमें तेल डाल के साथ ही साथ में अदरक का और मिर्चों का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। इससे क्या होगा, सारा फ्लेवर जो है आपका बेसिकली ऑयल के अंदर आ जाएगा। जैसे आप तड़का लगाते हैं वैसे ही लगाना है। अब हमने सूखी जो मेथी होती है उसका पाउडर बनाना था और पाउडर बना के हम इसी तेल के अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको सौटे कर लेंगे। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से कुक हो रहा है हमारा तड़का और नमक स्वाद अनुसार हम इसके अंदर डाल देंगे। देख सकते हैं बेहद ही बढ़िया लग रहा है। कढ़ाई में आप जब इसको बना रहे हो तो मोटे तले की कढ़ाई लें, बढ़िया रहती है। और इसी स्टेज पर अब इसके अंदर आप कद्दू डाल दें। अच्छे से आप कद्दू को छीलना चाहे छील लें और उसके डाइसेस करके आप मध्य आंच पे इसको पकाएं। कद्दू यूँ तो बहुत ही जल्दी पक जाता है, हार्डली 10 से 12 मिनट लगता है कद्दू को पकने में। तो आप इसको अच्छे तरीके से पूरा जो मिक्सचर है मिला के इसके अंदर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद, करीबन 4 से 5 मिनट बाद, आपका कद्दू इस तरीके से दिखने लगेगा। देखिए दोस्तों, आपको ये जो रेसिपी है कद्दू को उतना ही पकाना है जिसमें वो गले ना और अच्छे से पक जाए। 4 से 5 मिनट बाद जो हमने गुड़ था, गुड़ लेके इसके अंदर डाल देना है। गुड़ अब अपने आप ही इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। एक बार आप हिला दें और आप देख सकते हैं बेहद ही अच्छे तरीके से हमने इसको हिला दिया और इसको पकने के लिए फिर हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अगेन 4 से 5 मिनट बाद हमने दोबारा इसको निकाला है तो आप देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। गुड़ पिघल चुका है, कद्दू ने जो अपना पानी है थोड़ा थोड़ा वो भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से ग्रेवी भी बन चुकी है उसके अंदर, साथ ही साथ में गुड़ पिघल गया है और कद्दू भी हमारा लगभग रेडी हो गया। आप चाकू की सहायता से आप मार के एक बार चेक कर सकते हैं। कद्दू को गलाना नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ पकाना है। अब इसके बाद में फाइनल स्टेज पे हींग, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ में हमने आमचूर डालना है। गुड़ से मीठा टेस्ट आ गया, आमचूर से खट्टा टेस्ट आ गया, तो आपका जो खट्टा मीठा कद्दू है वो बनके तैयार हो जाता है। दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने सारे ही मसालों को बेहद अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और बेहद बढ़िया हमारा खट्टा मीठा कद्दू जो है रेडी होने की स्टेज पे है। हार्डली मसाले डालने के बाद में आपको 1 मिनट तक इसको रखने की ज़रूरत है। अब आप देख सकते हैं पूरी सब्जी ने अपना तेल छोड़ दिया है, हमारी ये बेहद ही सुंदर सी रेसिपी रेडी है। आप खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी को चाहे पराठों के साथ में खाइए, पूड़ियों के साथ में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका, जैसे चाहें आप वैसे खा सकते हैं। फाइनली हमारा कद्दू रेडी है। दोस्तों, आप ज़रूर अपने घर पे बना के देखिएगा किस तरीके से आपकी ये रेसिपी टर्न आउट होती है। हमसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। साथ ही साथ में वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इसी तरीके से हम आपके लिए बेहद बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ लेके आते रहेंगे। तो ये थी बढ़िया खट्टे मीठे सीताफल की रेसिपी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली ही ऐसी ही बेहतरीन और सिंपल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।